हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी फ्रेंड अच्छे होंगे। तो मैंने आज का ब्लॉग मतलब दोपहर से स्टार्ट किया है। कपड़ा वगैरह धो दिया है, लेकिन अभी बारिश आएगा शायद, ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने सारा कपड़ा बरंडा में सुखा दिया। मौसम ठीक नहीं है, मतलब अभी मतलब 12:30 बज रहे हैं। तो सुबह को काम वगैरह करके थोड़ा रेस्ट लिया था, मैं सो गई थी, मतलब नींद आ गया था मुझे। तो नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत नींद आता है हर रोज़। हम लोग का यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है ऐसा लग रहा है। बारिश होगा शायद अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे बारिश का मौसम अच्छा नहीं लगता है। अभी खाना बनाऊंगी दोपहर का, खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बनाऊंगी, दिखाऊंगी मैं क्या बनाती हूँ। अजीब सा लग रहा है, मतलब आज आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी नहीं, मुझे मतलब आइसक्रीम वगैरह खाने अच्छा नहीं लगता। हम लोग यहाँ पे गांव में बेचने आते हैं आइसक्रीम, तो मैं दुकान में ही खाती हूँ आइसक्रीम वगैरह। मुझे बेचने जो आता है ना, तो उन लोगों के साथ खाने मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा घिन लगता है मुझे, मतलब अजीब सा लगता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, तो देखते रहिए वीडियो को आगे। मैं भी खाना बनाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको क्या बनाती हूँ मैं आज। आज है संडे, तो मैं चिकन ही बनाऊंगी शायद, मेरा फेवरेट है चिकन। तो देखते रहिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं मतलब अभी फूल गोभी मतलब बॉयल करूँगी। फूल गोभी का सीज़न तो आ चुका है अभी हमारे यहाँ, तो मतलब फूल गोभी अगर बिना बॉयल करके खाए तो मतलब कुछ सेंट निकलता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बॉयल करके पहले नमक डाल के बॉयल करके फिर मैं इसका सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब सिंपल तरीके से बनाऊंगी। फूल गोभी, आलू, बैंगन ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैंने दाल बनाया है और बैंगन आलू काट कर रखा हुआ है, और फूल गोभी को मतलब मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो बिना बॉयल का टेस्ट नहीं लगता मुझे, इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ स्माइल आता है। तो देखते रहिए वीडियो को मैं क्या क्या करती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मतलब दाल बिठा लिया, मेरा दाल पक गया है मतलब। तो अभी मैं तेल गरम होने के बाद मैं मतलब वो फूल गोभी, आलू, बैंगन को फ्राई कर लूँगी। सिंपल तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ, मतलब मैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, मतलब मुझे इसी तरह से सिंपल से मतलब खाना अच्छा लगता है। कभी कभी मसालेदार खा लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा मसाले वाले सब्ज़ी वगैरह में नहीं खाती हूँ, तो सिंपल तरीके से भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब किचन अभी हुआ नहीं है रेडी, तो इसी वजह से मेरा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, लेकिन मतलब लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, इतना माइंड मत कीजिए, जब हो जाएगा हमारा मतलब किचन नया, तो ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोगों को, वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे जैसा भी हो, घर अपना तो अपना ही होता है, चाहे टूटा हो या कुछ भी हो, घर तो घर ही होता है। तो देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी और दाल तो पक रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे मसाला मतलब चिकन के लिए अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च को ग्राइंड कर रही हूँ मतलब। तो हम लोग का मतलब किचन रेडी नहीं हुआ, तो थोड़ा मुश्किल होता है ग्राइंड वगैरह करना, तो घर का अंदर ही कर लेती हूँ मैं, तो रूम का अंदर। तो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, तब तक ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। अब इतना मतलब हम लोगों का तो इतना कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग जो भी चाहे अपना दिल के खुशी से हम लोग ले सके। तो धीरे धीरे होते रहेगा, भगवान देते रहेंगे।
तब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मतलब दाल पक चुका है और सब्ज़ी भी हो चुका है लगा मतलब लगभग। और दाल को मैं तड़का लगा दूँगी सिंपल तरीके से, प्याज 5 फोरन, सूखा मिर्च, ज़ीरा, सिंपल तरीके से मतलब। तो देखिए फ्रेंड्स आगे वीडियो को। फ्रेंड्स मेरा मतलब फूल गोभी का भाजी रेडी हो चुका है, सिंपल तरीके से बनाया। और मैंने पतला सा दाल बनाया है, मतलब मुझे पतला दाल ही अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा दाल मैं नहीं खा सकती। और मैं कुकर में बना हुआ दाल भी मुझे उतना ज़्यादा मतलब टेस्टी नहीं लगता है, तो मैं कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। मतलब कभी कभी खा लेती हूँ मैं कुकर का दाल भी। तो मेरा फूल गोभी आलू का भाजी हो रेडी हो चुका है, दाल भी मेरा रेडी हो चुका है। तो मैं अब बनाऊँगी चिकन। तो फ्रेंड्स मैं अभी मतलब दाल सब्ज़ी वगैरह बना चुकी हूँ। तो मेरा हस्बैंड मतलब चिकन उतना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खाते। तो उनके लिए मैंने आलू फूल को भी फ्राई और दाल बना लिया। तो मैं और मेरा बेटे के लिए मतलब चिकन बनाऊँगी। तो आज है संडे, तो संडे में तो चिकन चलता ही है हमारा, मतलब मंडे वगैरह में तो हम लोग नहीं खाते चिकन वगैरह। तो कल सैटरडे था तो भी नहीं खाया, और आज है संडे तो आज हम लोग ने चिकन बना लिया मेरे बेटे और मेरे लिए। तो मैं अभी सिंपल तरीके से अपने लिए चिकन बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो अगर कोई फ्रेंड्स चिकन नहीं खाने वाला है तो प्लीज़ मन मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं चिकन खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे थोड़ा दिखा दिया, आप लोगों से शेयर कर लिया। मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शायद मेरे फ्रेंड्स कोई कोई नहीं खाते होंगे, कोई कोई खाते होंगे शायद। तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियो को आगे। तो फ्रेंड्स मेरा चिकन तो रेडी हो चुका है, खाना वगैरह बन चुका है। तो मैं हल्का सा पानी दे दूँगी, मतलब चिकन ग्रेवी स्टाइल में बनाऊँगी। तो मुझे ग्रेवी स्टाइल ज़्यादा पसंद है, मतलब चिकन पकौड़ा वगैरह भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन चिकन ग्रेवी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो सिंपल तरीके का चिकन मेरा रेडी हो चुका है मतलब। तो अभी मैं थोड़ा बाहर का काम वगैरह कर लूँगी, तो फिर खाना खाऊंगी। मतलब सारा काम करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद खाना खाने से थोड़ा चैन मिलता है। मतलब खाना खाने का साथ साथ फिर दूसरा काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स खाना वगैरह बनाना हो चुका है, मतलब बर्तन वगैरह थोड़ा धोना है। और मतलब मैं अभी जा रही हूँ लेमन तोड़ने, मतलब हम लोग असम में बोलते हैं लेबू टेंगा, लेमन को लेबू टेंगा बोलते हैं। तो लेमन को तोड़ूँगी, मतलब पेड़ में बहुत सारा लगा हुआ है हमारा घर में ही। मतलब तो लॉन्ग बीन्स पे एक दो ठू लग गया है मेरा लॉन्ग बीन्स, मतलब अभी स्टार्ट हो गया लगना। तो मेहनत का फल तो थोड़ा थोड़ा खाने ही मिलेगा। अभी मतलब बारिश नहीं हुआ 2-3 दिन, तो इसी वजह से थोड़ा कम हो रहा है।
तो हमारा घर में मतलब लेबू का पेड़ बहुत बड़ा है, लेबू मतलब लेमन का पेड़ बहुत सारा है, 3-4 पेड़ है, बहुत लग जाता है मतलब पेड़ लेबन। तो मैं खाना के लिए साथ खाने के लिए मतलब तोड़ने आई थी, तो पक्का नहीं है अभी, मतलब कच्चा ही है, तो दूसरा पेड़ से ले लूँगी मैं मतलब। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशबू अच्छा लगता है, मतलब लेमन का खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है ये लेमन, हमारा घर का लेमन, तो हम लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ता, मतलब घर में ही लग जाता है बहुत सारा। अभी तो अनसीजन चल रहा है फिर भी लग जाता है। तो मैं दूसरा पेड़ में अभी देख लेती हूँ लगा कि नहीं, इस पेड़ में भी नहीं है तो आगे साइड में देख लेती हूँ, मतलब अभी छोटा छोटा है, मतलब हुआ नहीं है, लगा तो है हुआ नहीं है, तो आगे साइड में भी हम लोगों का मतलब गोल गोल लेमन का पेड़ है, क्या बोलते हैं उसको तो मुझे नहीं मालूम, इतना गोल गोल टाइप का जो होता है, तो मैं उसी को तोड़ लेती हूँ मतलब अभी। तो देखते रहिए वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरा संडे का लंच रेडी हो चुका है सिंपल तरीके से, मतलब ये है मतलब राइस, और ये फूल गोभी, आलू बैंगन की भाजी, और ये चिकन ग्रेवी, एकदम सिंपल बिना मसाले वाला चिकन ग्रेवी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए है, हम मैं और मेरा बेटा थोड़ा देर के बाद खाएंगे। तो सिंपल ग्रेवी चिकन, और ये है दाल और सलाद, और लेबू टेंगा तो हम लोग का घर का ही है, लेबू मतलब लेमन हमारा घर का ही है। तो देखिए फ्रेंड्स शाम का टाइम चल रहा है अभी, मतलब मेरा हस्बैंड मतलब कहीं बाहर गए थे तो चिकन चाउमीन लेके आए हैं, और घर में थोड़ा दूध कम था तो मैंने चाय बना लिया थोड़ा सा, दूध चाय पीने से थोड़ा मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, मतलब हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। तो बेटे के लिए लाए हैं चिकन रोल, उनके लिए लाए हैं मोमो, और मेरे लिए चाउमीन। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मैंने कल शाम को और वीडियो नहीं बनाया, तो आज सुबह फिर मेरा वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो सुबह सुबह मतलब उठने के साथ साथ ही मुझे हाथ में झाड़ू लेना पड़ता है, मतलब आंगन में मतलब इतना धूप लगता है कि मतलब झाड़ू अगर जल्दी नहीं लगाया तो फिर पीठ जलने लगता है, तो झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं जाऊँगी बाज़ार। तो आज मंडे है तो हमारे सामने मतलब लोकल मार्केट है, तो मैं वही जाऊँगी सामने बाज़ार में, तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो देखते रहिए वीडियो को आगे। तो फ्रेंड्स मेरा मतलब झाड़ू वगैरह लगाना तो हो चुका है, ये सब कपड़ा मतलब कल का ही था, तो धोवा हुआ कपड़ा मतलब नहीं सूखने से अच्छा नहीं लगता, तो कल थोड़ा बारिश दे रहा था तो यहाँ पे कपड़ा नहीं सूखा पाए। तो अभी सुबह सुबह तो हल्का हल्का धूप निकला तो मैंने कपड़ा सूखा लिया। और ये है हमारा लोकल मार्केट, मतलब बहुत बड़ा ही है, मतलब पहाड़ का लोग मतलब सब्जी वगैरह बेचने आते हैं, मतलब लोकल सब्जी तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे सब्जी वगैरह तो इतना नहीं चाहिए, फिर भी मैं चले जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बाजार जाना, तो सस्ते में भी मिल जाता है और फ्रेश भी मिलता है, तो मैं लेके आ जाती हूँ। तो
तो फ्रेश मतलब बड़ा बड़ा दुकान में तो अच्छा सामान मिलता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ्रेश सामान तो लोकल मार्केट में ही मिलता होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ से लोग बेचने आते हैं मतलब फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी वगैरह। और मतलब मुझे अच्छा लगता है बाज़ार में एक चीज़ की बर्तन वगैरह बहुत सुंदर सुंदर मिलता है, बहुत सस्ता में मिलता है, अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो मैं मतलब बाज़ार जाने से मतलब देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वही देख रही थी। मतलब मेरा ननद थोड़ा सा वीडियो कर रही थी मेरा, तो मैंने देख लिया, मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लो। अब यहाँ का बाज़ार मतलब सस्ता भी मिलता है, कपड़ा वगैरह तो मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदती हूँ। तो मैं जाती हूँ गुवाहाटी टाउन में, हमारे यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, मार्केट है, तो मैं वहीं से ख़रीद लेती हूँ कपड़ा वगैरह। तो मगर बर्तन वगैरह मतलब सुंदर लगता है बाज़ार में, बहुत कम दाम में मिलता है, अच्छा लगता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा अच्छा होता है, तो मैं ले लेती हूँ वहीं से। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स मैं हमारे यहाँ पे लोकल मतलब ज़्यादा है, ट्राइबल लोग ज़्यादा है, तो ये कीड़ा है ना, तो उन लोग खाते हैं, रेशम का धागा बनता है इस कीड़े से, मतलब रेशम का बहुत कीमती जो धागा होता है ना वही बनता है, रेशम का कपड़ा वगैरह इसी कीड़े से बनता है, तो यहाँ पे ट्राइबल लोग यही खाते हैं। तो मैं वही औरत मुझे दिखा रही थी, मुझे बहुत डर लगता है, हम लोग नहीं खाते मतलब, मैं तो कभी खा भी नहीं पाऊँगी ये सब चीज़, मतलब ट्राइबल लड़का लोग आदमी लोग खाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये स्नेल है मतलब, देखिए तो फ्रेंड्स ये है हमारे यहाँ का फिश मार्केट, मतलब ये अलग अलग जगह में है, मतलब सब्ज़ी का अलग होता है और फिश मार्केट अलग होता है, यहाँ पे ड्राई फिश भी मिलते हैं और कच्चा वाला फिश भी मिलते हैं। मतलब तो मैं आज फिश नहीं खाऊंगी, आज मंडे है, तो मेरा ननद मतलब ले जाने के लिए आई थी, तो मैं उन्हीं के साथ आई थी, उनको मतलब वही मैं वीडियो कर रही थी, मतलब दिखा रही थी कि कितना बड़ा बड़ा फिश भी मिलता है, मतलब बहुत बड़ा है फिश मार्केट भी, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैंने ऐसे वीडियो थोड़ा शूट कर लिया, मंडे है तो नहीं खाती तो नहीं लिया मैंने, मतलब अगर ट्यूसडे वगैरह होते तो मैं ले लेती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता फ़िश खाना, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो मतलब ये औरत मतलब वही फिश ले रही थी, तो मैं पहचानती हूँ, तो उनसे थोड़ा बात करके दिखा रही थी मतलब मैं। और ये सब मतलब पहाड़ से आए हैं, ये पहाड़ पे रहते हैं इन लोग, तीन चार पहाड़ के ऊपर रहते हैं, इनका घर है। तो मंडे में एक हफ्ता का मतलब पूरा बाज़ार करने के लिए आ जाते हैं इन लोग, सुबह को ही आ जाते हैं, पहाड़ में मतलब घर है इन लोगों का। तो मैं तो पहाड़ में चढ़ ही नहीं पाऊँगी शायद, मैं नहीं चढ़ सकती पहाड़ वगैरह में, मुझे चढ़ना नहीं सकती, मैं बहुत दर्द होता है मेरा कमर वगैरह। तो मैं वही दिखा रही थी, अगर मतलब इंसान को जीना हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करके खाना ही पड़ता है, मतलब उन लोग बेचने के लिए भी आते हैं सब्ज़ी वगैरह, मतलब लोकल सब्ज़ी। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा दिखा लिया आप लोगों को, मसूर दाल ना